वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो आज हम पीएनएफ डिस्कस करेंगे। सो प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मींस कि इसमें प्रोप्रोसेप्शन यूज होता है, जिससे कि एंड मतलब न्यूरो न्यूरॉन्स एंड मसल्स को फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, प्रोप्रोसेप्शन से। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम पेशेंट को कुछ मूवमेंट पैटर्न्स करवाते हैं, जिससे कि न्यूरॉन्स एंड मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, एंड जो पेशेंट है वो और अच्छे से मूवमेंट कर पाता है एंड अपनी मूवमेंट को फील कर पाता है, प्लस वो मूवमेंट पैटर्न्स लर्न भी कर लेता है इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम मीन्स इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे अपर लिम्ब के पीएनएफ पैटर्न को। सो आपने D1 फ्लेक्शन, D2 फ्लेक्शन एंड D1 एक्सटेंशन एंड D2 एक्सटेंशन के बारे में तो सुना ही होगा। सो ये जो पैटर्न्स है मेनली D1, D2 फ्लेक्शन एंड D1, D2 एक्सटेंशन, वो अलग अलग जॉइंट्स पे और अलग अलग पार्ट पे अलग अलग मूवमेंट कॉज करते हैं। सो बेसिकली D1 एंड D2 से क्या है। सो D1 आप जब भी सुनोगे, D1 से हमेशा याद रखना कि हमेशा अब अडक्शन होगा, मींस जो आर्म है वो बॉडी की तरफ मूव करेगा D1 में, ठीक है, और D2 में हैंड जो है वो मिड लाइन से दूर जाएगा, मींस अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगा, ठीक है, D1 में टूवर्ड्स द बॉडी एंड D2 में अवे फ्रॉम द बॉडी। एक्सटेंशन में डिफरेंट जॉइंट्स पे एक्सटेंशन कॉज होगा एंड फ्लेक्शन में डिफरेंट जॉइंट्स पे फ्लेक्शन कॉज होगा। ओके सो ये फिगर आप अगर देख पा रहे हो, सो इसमें ये बॉय है एक छोटा सा, वो हमारी तरफ फेस करके खड़ा है एंड ठीक है, और ये इसका जो ये राइट वाला हैंड है, ये राइट वाला हैंड इसने अपने बॉडी के पास ले गया है एंड अक्रॉस द मिड लाइन ले गया है लेफ्ट साइड की तरफ। ओके सो दिस इज, और इसके शोल्डर पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, एल्बो पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, सो ये कहीं ना कहीं फ्लेक्शन कॉज हो रहा है। ओके तो एंड आप इसमें इसकी जो फोर आर्म है उसमें सुपिनेशन कॉज हो रहा है एंड फिंगर्स में फ्लेक्शन कॉज हो रहा है, थंब में भी फ्लेक्शन कॉज हो रहा है, रिस्ट में भी फ्लेक्शन कॉज हो रहा है एंड आप देख सकते हो, ठीक है, D1 है मींस टुवर्ड्स द बॉडी है अक्रॉस द मिड लाइन एंड फ्लेक्शन है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, फ्लेक्शन वाली जो मूवमेंट है उसको क्रिएट कर रहा है। शोल्डर पे फ्लेक्शन एंड अडक्शन हो रहा है, शोल्डर है यहाँ पे, शोल्डर पे शोल्डर पे शोल्डर पे फ्लेक्शन एंड अडक्शन हो रहा है, ठीक है, एल्बो पे, दिस इज एल्बो, एल्बो पे फ्लेक्शन हो रहा है, देन फोर आर्म पे क्या हो रहा है, फोर आर्म पे हो रहा है सुपिनेशन, सुपिनेशन हो रहा है, रिस्ट पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिस्ट पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, इसको इस टाइप से थोड़ा सा फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इधर भी रिस्ट पे फ्लेक्शन हो रहा है एंड फिंगर्स पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है।
सो दिस इज D1 फ्लेक्शन, सिंपली दिस इज D1 फ्लेक्शन. ये राइट हैंड है जिसकी मूवमेंट हो रही है, एंड मैं बता रही हूँ जिसकी मूवमेंट को, एंड वो अक्रॉस द मिड लाइन जा रहा है. दिस इज मिड लाइन, मिड लाइन के अक्रॉस जा रहा है वो हैंड, एंड और टुवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट हो रही है. फ्लेक्शन कॉज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पे, एंड फोर आर्म पे सुपिनेशन हो रहा है. अब नेक्स्ट देखेंगे D2 फ्लेक्शन. सो D2 फ्लेक्शन में डिस्कस करते हैं क्या क्या मूवमेंट पैटर्न्स हो रहे हैं. सो सबसे पहले शोल्डर, शोल्डर पे क्या हो रहा है, शोल्डर पे हो रहा है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन तो हो ही रहा है क्योंकि D2 फ्लेक्शन है, तो फ्लेक्शन तो हो गई. फ्लेक्शन के साथ साथ क्योंकि D2 है मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन्स कि अबडक्शन हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है. ठीक है, फिर आता है एल्बो. एल्बो पे हो रहा है एक्सटेंड, सॉरी फ्लेक्शन ही हो रहा है D2, क्योंकि फ्लेक्शन है मेन मेन इसमें फ्लेक्शन हो रहा है एल्बो. देन फोर आर्म पे सुपिनेशन हो रहा है. ठीक है, एंड रिस्ट एंड फिंगर्स में इनमें भी फ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा अभी हमने D1 फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा एंड D2 फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, एंड दीज आर D1 एक्सटेंशन एंड D2 एक्सटेंशन. ये एक्सटेंशन है, सो यहाँ पे एल्बो पे एक्सटेंशन रहेगा, एंड शोल्डर पे भी एक्सटेंशन रह रहा है. ठीक है, एंड जो हमारे मोमेंट है वो एक्सटेंशन कॉज हो रहा है, और D1 और D2 अकॉर्डिंगली, D1 टुवर्ड्स द बॉडी एंड D2 अवे फ्रॉम द बॉडी, उस हिसाब से वो मोमेंट हो रहा है. ठीक है, सो अगर हम D1 एक्सटेंशन पैटर्न की बात करें तो शोल्डर पे क्या हो रहा है, शोल्डर पे हो रहा है एक्सटेंशन एंड अडक्शन. एक्सटेंशन तो है ही प्लस D1 के वजह से टुवर्ड्स द बॉडी, सो अडक्शन हो रहा है. ठीक है, एल्बो पे एक्सटेंशन है, रिस्ट पे एक्सटेंशन है, फोर आर्म पे प्रोनेशन रहेगा. ठीक है, फोर आर्म पे प्रोनेशन रहेगा एंड फिंगर्स पे एक्सटेंशन रहेगा. ऐसी D2 एक्सटेंशन में शोल्डर पे एक्सटेंशन, D2 है इसलिए अबडक्शन होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी जो लिम्ब है वो मूव करेगा. एल्बो पे एक्सटेंशन, फोर आर्म पे प्रोनेशन, रिस्ट पे एक्सटेंशन, फिंगर्स पे एक्सटेंशन. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एंड आप कमेंट में PNF के बारे में आपको जो भी पता है उसकी डेफिनेशन, या जो भी आप PNF से समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखिए. जो भी आप जो भी PNF को समझते हैं वो बताइए. ठीक है, एंड सो लेट्स फिल दिस. सो आई होप आपको अभी तक थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया और क्या हुआ वहाँ पे. सो D1 है, सो D1 मीन्स शोल्डर पे क्या होगा, अडक्शन, अडक्शन होगा एक तो. ठीक है, और D1 फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन कॉज होगा. ठीक है, ऐसे ही D2 फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन कॉज होगा, लेकिन D2 है तो एबडक्शन होगा. ठीक है, ऐसे ही D1 एक्सटेंशन में D1 इज अडक्शन, एंड एक्सटेंशन में एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, एंड D2 है तो एबडक्शन. ठीक है, पहले हमने शोल्डर के मूवमेंट्स ही भर लिए. ठीक
ठीक है, अब फ्लेक्शन है तो एल्बो पे फ्लेक्शन कॉज होगा, इसमें भी फ्लेक्शन कॉज होगा, इसमें एक्सटेंशन कॉज होगा, इसमें भी एक्सटेंशन कॉज होगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, आपको एक बार फंडा आ गया तो आप ये टेबल इजीली फिलअप कर सकते हो। अब फोरआर्म पे क्या हो रहा है, तो फोरआर्म पे जब फ्लेक्शन है एल्बो पे तो तब सुपिनेशन हो रहा है, ठीक और जब एल्बो पे एक्सटेंशन है तब प्रोनेशन हो रहा है। रिस्ट पे भी सेम एल्बो की तरह, एंड फिंगर्स में भी सेम फ्लेक्शन मूवमेंट है तो फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन होगा। सो आई होप ये अपर लिम का पीएनएफ पैटर्न आपको समझ आया होगा, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट लोअर लिम पीएनएफ पैटर्न इन अदर वीडियोस, बट आई होप ये अपर लिम के बारे में, इसके जो पीएनएफ पैटर्न्स हैं वो आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो देखी, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, एंड पीएनएफ के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।